इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल मऊ रोड सिधारी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। घटिया भोजन को लेकर जादरपुर वीआरसी पर प्रशिक्षण ले रहे 150 अध्यापकों द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। विरोध स्वरूप किसी भी शिक्षक ने भोजन नहीं किया। कलेक्ट्रेट साहब जरा एक नजर इधर भी देख लीजिए, अध्यापकों को खंड शिक्षा अधिकारी निष्ठा प्रशिक्षण में खिला रहे हैं घटिया भोजन। जी हाँ, आपको बताते चले कि बहराइच के फखरपुर ब्लॉक के गजादरपुर बीआरसी केंद्र पर निष्ठा प्रशिक्षण ले रहे 150 शिक्षकों ने भोजन की गुणवत्ता को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और किसी ने भी भोजन नहीं किया। शिक्षकों ने बताया कि पर शिक्षक 500 रुपए भोजन नाश्ता का आश्वासन द्वारा किया जा रहा है, बावजूद इसके जो खाना और नाश्ता मिल रहा है वह 100 रुपए का भी नहीं है। गलती से अगर भोजन खा भी लिया गया तो स्वास्थ्य खराब हो जाने की आशंका रहती है, जिसकी शिकायत कई बार खंड शिक्षा अधिकारी संतोषी राणा से की गई है, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खंड शिक्षा अधिकारी भोजन की क्वालिटी न जांच कर उल्टा हम लोगों के ऊपर रौब लगाती है और लिखित शिकायत मांगती है, जबकि उनके ऑफिस के बगल में ही कैंटीन चल रही है। इससे पहले भी कई बार शिक्षकों ने खाने को लेकर बवाल काटा है, कोई सुनवाई नहीं हुई। हम सभी शिक्षकगण ऐसे खराब क्वालिटी का भोजन नहीं खाएंगे जिससे स्वास्थ्य खराब हो, इसलिए हम सभी ने भोजन का बहिष्कार कर खुद के पैसों से नाश्ते की व्यवस्था कर निष्ठा प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। इस मौके पर फकरपुर शिक्षक उपाध्यक्ष सुखद राज सिंह, मंत्री तनवीर आलम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्भय राज सिंह, वर्ली रहमान, महेश कुमार, विमलेश कुमार, राहुल सिंह, इरशाद जाकिया, अंजुम साबिया बेगम, परमजीत कौर, शालू सिंह, हेमलता सिंह आदि शिक्षक व शिक्षिकाएं मौजूद रहे। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी संतोषी राणा से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब तक हमें शिक्षकों द्वारा लिखित शिकायत नहीं मिलेगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। शिक्षकों को भोजन करने के लिए प्रेरित किया गया है मगर उन्होंने विरोध जताया है। भोजन की व्यवस्था सिंह कैक्टस गोंडा द्वारा किया जा रहा है। कैटर्स रितेश सिंह ने बताया कि 174 रुपया प्रतिशत 2 वक्त के नाश्ते व भोजन के लिए मिल रहे हैं। शिक्षकों के अनुरोध के अनुसार आज भोजन बनाया गया है, बावजूद इसके किसी ने भोजन नहीं किया। क्या नाम है आपका? हेमलता सिंह। अच्छा, कहाँ पे पोस्ट है आप? प्राथमिक विद्यालय फकरपुर फर्स्ट। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पे? वही भोजन की समस्या और नाश्ते की, हम लोग को अच्छा भोजन नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसकी कोई शिकायत आपने किया? हाँ, खंड शिक्षा अधिकारी से इस बारे में बात की गई थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया? जवाब दिया मगर सही से नहीं दिया, जिससे हम लोग संतुष्ट हो जाएं या उसमें सुधार कर दें। धमकाने के लहजे में जवाब दुत्कार दिया, मतलब सुधार दें व्यवस्था खाने की या नाश्ते की, तो ये इस तरह से कोई सजेशन नहीं दिया। क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ पिछले 15-20 दिनों से निष्ठा नाम की ट्रेनिंग संपादित की जा रही है, जिसके 3 बैच पूरे हो चुके हैं, 4th बैच हम लोगों का है। भोजन की व्यवस्था जो मेनू शासन के द्वारा निर्धारित किया गया है उसके अनुसार नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों ने इस संबंध में कल खंड शिक्षा अधिकारी महोदया से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने उसका कोई ढंग से जवाब नहीं दिया। इसके विरोध में हम सारे लोग आज 150 अध्यापक ना सुबह से नाश्ता किए हैं ना दोपहर का भोजन करेंगे। इसका मेनू क्या है खाने का और कितने पैसे इसके आवंटित हुए हैं खाने के लिए? हमारे लोगों की जो जानकारी है उस हिसाब से 200 रुपये प्रति हेड के हिसाब से पैसे आवंटित किए गए हैं और मेनू जो है पूरा मेनू तो नहीं बताया जा सकता, कहिए तो उसकी कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी आपको। जी, ये टोटल कितने पैसे खारिज किए गए हैं शासन द्वारा यहाँ पे? लगभग 1 महीने 500 रुपये प्रति अध्यापक प्रतिदिन के हिसाब से पैसा भेजा गया है। प्रति अध्यापक 500 रुपये? हाँ। और उसमें मेनू में मिल क्या रहा है, लगभग में कितने पैसे का वो खाना होगा? मेनू में जो भोजन हम लोगों को दिया जा रहा है वो 100 रुपये से ऊपर का नहीं होगा। कल जो पकौड़ी दी गई थी शायद कोई अध्यापक उसको खाना पसंद करे, लेकिन लोग भोजन करके घर से नहीं आते हैं, मजबूरी में उस पकौड़ी को भी खाएं और यही गर्मी का मौसम होता तो शायद इनमें से 20 लोगों को ड्रिप चढ़ चुकी होती। मैम, क्या नाम है आपका? संतोषी राणा। आपके विद्यालय के अंदर जो शिक्षक ट्रेनिंग कर रहे हैं उनका इल्ज़ाम है कि जो भोजन यहाँ पे दिया जा रहा है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप खुद जाके देख लीजिए। अभी कैटरर से इन लोगों की बात भी कराई गई थी और वहाँ पे उन्होंने बताया भी कि फॉर्च्यून और बैल कोल्हू सब रखा हुआ है। आप देख लीजिए, ये 3 बैच हमारे निपट चुके हैं, बहुत अच्छे से निपटे, किसी को कोई समस्या नहीं आई भोजन संबंधी, और इन लोगों ने पहले मेरे से कोई बात भी नहीं की भोजन वाली। जब आज बात की तो हमने कैटरर से इनकी डायरेक्ट बात कराई है, फिर मैंने लिखित में भी मांगा अगर ऐसी कोई समस्या आप लिखित में दीजिए ताकि उनको नोटिस दी जाए या जो भी आगे कार्रवाई होती है वो करी जाए, लेकिन वो लिखित में भी नहीं दे रहे, तो इससे स्पष्ट है कि यही लोग जो है डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। बाकी आप देख लीजिए वहाँ जाकर। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।